चलिए रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है। कांवड़ ले जा रहे युवक को गोली मारी गई। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने मारी है गोली। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और शिवगढ़ सीएचसी से युवक को जिला अस्पताल किया गया रेफर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवगढ़ सीएचसी से युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया, बांदा बहराइच के ये मामला बताया जा रहा है। कांवड़ ले जा रहे युवक को गोली मारी गई। रायबरेली से बड़ी खबर, पुरानी रंजिश उसके पीछे वजह बताई जा रही है। युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। शिवगढ़ सीएचसी से युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया और जांच पुलिस इस पूरे मामले की कर रही है। कांवड़ ले जा रहे युवक की को गोली मारी गई। पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी गई और उसको युवक को भर्ती कराया गया है अस्पताल में। आपको बता दें कि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक कांवड़ लेने गया हुआ था, जहां उसको गोली मारी गई। इसके पीछे पुरानी रंजिश कारण बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कहां पे? जलमई। हाँ, तो रास्ते में हमारे साथ घटना हुई है। लोग दीपक एक गाड़ी और थी जिससे उनको नहीं ध्यान दे पाए। हाँ, हमारे ऊपर हमला कर दिया। काहे से हमला हुआ है? हम पर लागत है ये अधी मारे का अधी मतलब अधी मतलब कट्टा। हाँ, आपने देखा था क्या? हाँ, अभी कुछ देर पहले 102 से एक मरीज लाया गया है, काफी पुलिस बल भी आया था साथ में उनकी। पीठ में उनके बहुत सारे छोटे छोटे से छेद हैं जो कि स्किन डीप हैं, और उसमें से दो छर्रे भी निकले हैं जिनका हमने इलाज कर दिया है, और प्राथमिक उपचार करने के बाद इनको फर्दर ओपिनियन और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए इनको जिला अस्पताल भेज रहे हैं। अभी गन शॉट है कि नहीं है ये एक्सपर्ट ओपिनियन से ही पता चल पाएगा, लेकिन संभव है। वहाँ से जलबोझ थे आते यहाँ चलाते हैं थानेश्वर। उसके बाद हम रहन चार लोग रहन, संत रहा है, संत प्रसाद रहा है, और नरेश रहा है, और ये रहा एक अगर नाम दर्शन हरिचंद हमारा नाम। तो हम लोग जा रहे हैं, दर्शन आगे रहा है, दर्शन के पाछे हम रहन, और उसके पाछे जिसकी गोली लगी संत रहे। संत रहने के बाद वो लोग दीपक आया मोटरसाइकिल स्प्लेंडर से। उसके बाद हम लोग जा रहे थे, हम सोचे कि मतलब पटाखा दगा। उसके बाद ये बोले कि गोली मार दी।